हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपने अगले ईओन की बात करते हैं, प्रोटीरोजोइक ईओन की, और ये लास्ट ईओन है प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन के। जो बाइफर्केशंस होते हैं उनमें तीन होते हैं। हेडियन मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, हमने अपने आर्कियन रिसेंटली अभी कंप्लीट करा। अब बात करते हैं प्रोटीरोजोइक की। फेनेरोज़ोइक तो एक ईओन है, लेकिन वो प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन का पार्ट नहीं है। इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज आपको कर रहा हूँ हर एक लेक्चर के अंदर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन कि प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन के कौन कौन से ईओन पार्ट हैं। ठीक है, वो आपको चारों देख देंगे और फिर कुछ उसका पेयर बना देंगे कि हीडियन आर्कियन ओनली, हीडियन प्रोटीरोज़ोइक फेनेरोज़ोइक ओनली। और अब तो शायद आप जानते ही हो कि चारों देने के बाद वो पूछेंगे ओनली वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, थ्री इज करेक्ट, है ना। हमें अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने का करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से पेपर आ रहा है। तो ये लास्ट ईओन है, लेकिन कौन सा, किसकी दिशा में लास्ट है? प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन की दिशा में लास्ट है। इसका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है? इसका टाइम पीरियड शुरू होता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो था वो अपीयर हुआ। तो मुझे प्रक्रिया बताओ ज़रा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहाँ से आया, इसकी खपत किसने करना शुरू करी, इसको पंप करना किसने शुरू करा, बताओ कैसे? साइनोबैक्टीरिया ने जमाने के साथ आगे बीतते बीतते कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी, क्या करने की, फूड को क्या करने की, फोटोसिंथेसाइज करने की। वो सनलाइट की प्रेजेंस में, शैलो वाटर्स में भी, या फिर अगर वो ऊपर रहता था तो क्या करता था, खाना बना लेता था। उसके खाना बनाने के चक्कर में एक बाय प्रोडक्ट बच जाता था, क्या, ऑक्सीजन। और साइनोबैक्टीरिया आपको पता है बहुत ज़्यादा तादाद में मल्टीप्लाई होते चले गए जैसे जैसे ज़माना वक्त आगे बीता, फिर क्या बनते चले गए, मतलब फिर क्या होता चला गया, बाय प्रोडक्ट जो था ऑक्सीजन वो पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तादाद में फैल गया। ठीक है, तो प्रोटीरोज़ोइक ईओन का जो टाइम पीरियड है वो तब से शुरू होता है जब से ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना शुरू हुआ, टू जस्ट बिफोर द प्रोलीफरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ सच एज कोरल्स ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन का आना और कोरल्स का बनना। ठीक है, अब ये कोरल्स का बनना भी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि ठीक है यार, कुछ तो एक्वेटिक लाइफ के कोरल या टेरेस्ट्रियल लाइफ पे तो होता ही नहीं, वैसे तो आधा पानी में डूबा ही रहना चाहिए वैसे तो वहाँ के कोरल, लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर मैं करूँ, क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको, साइनोबैक्टीरिया के कोरल की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो वही है यहाँ पर, है ना। पहले कोरल वो, बाद में फिर कुछ और भी कोरल्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया, जब ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में अर्थ के फैल गया, चला गया, पंप हो गया, तो उसने एक कंडीशंस पैदा करी कि दूसरे लाइफ फॉर्म भी इमर्ज हो सके, डेवलप हो सके अर्थ के ऊपर, राइट, है ना। तो प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे एक ट्रीटी भी होती है ना, एनपीटी, जिसको इंडिया ने साइन नहीं कर रखा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। तो बैक्टीरिया बिगेन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा, दिस लेड टू द सडन राइज ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स। अब ना आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है और ये आर्टिकल बहुत सारे क्लेम करते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ उसमें। सबसे पहले क्या है दुनिया में, प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया एक अपने आप में क्या था, प्रोकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नहीं है, न्यूक्लियस है, नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स है, नहीं है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है, यस। यूकैरियोट्स में टोटल अपोजिट, मल्टी सेलुलर है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियाई है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ये सारे पार्ट्स हैं। एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्लेम करते हुए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यूकैरियोट्स emerge from prokaryotes?
थोड़ा सा इस स्टेटमेंट के ऊपर हमें भी शंका ना हो और एग्जामिनर को भी शंका ना हो और साइंटिफिक एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए हमारी आंसर राइटिंग में, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यूकैरियोट्स इमर्ज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डज दिस मेक सेंस नाउ? कैसे यार, पहले तो जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा था यूकैरियोट्स इमर्ज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो मैं तो ऐसा सोच रहा मतलब सोचवा रहा था एग्जामिनर को कि प्रोकैरियोट्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होकर तब शायद से ये बने हैं, है ना. ऐसा नहीं है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता ना एकदम से. लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया ने अपना खाना बनाना सीखा तो ऑक्सीजन उसकी वजह से फैला एटमोसफियर में और उस ऑक्सीजन की वजह से यूकैरियोट्स अदर लाइफ फॉर्म से इमर्ज हो गए. तो यानी कि बाप तो जो है वो तो प्रोकैरियोट्स ही रहेंगे प्रो लेवल के. अब बताओ, मैं यहां पर कोई इनके बीच में किसी लिंक को, किसी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये मैं ला ही नहीं रहा हूं. मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि अगर प्रोकैरियोट अपने खाने बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते तो अन्य प्रकार की लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर नहीं आ पाती. सिंपल. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यूकैरियोट्स का अस्तित्व जो है वो प्रोकैरियोट्स से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली? समझ गए ना? तो ये कुछ ऐसी चीज है जहां पर आपका दिमाग शांति से इन चीजों को एब्जॉर्ब करे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि. आगे बढ़ू मैं? पहले बताऊ यहां तक कुछ डाउट है, कुछ समझ रहे हैं? कोई अश्मंजिश आप लोगों के दिमाग में? ओडू प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है. हाँ हाँ क्या है? हाँ, इनका बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट है बिल्कुल, खाना खाने के बाद जो बच गया. ठीक है, आगे बढ़ू. अब एक बार बताओ, वो जो ये जो सिल्क वर्म होता है, रेशम को जब ये पैदा करता है उसकी थूकी तो होती है वो एक तरीके से, और क्या है, है ना. तो बैक्टीरिया बिगेन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन लीडिंग टू द सडन राइज ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स. और इससे पहले कौन सा लाइफ फॉर्म चल रहा था सबसे पहला? साइनोबैक्टीरिया. यूकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, दे इमर्ज इंक्लूडिंग सम फॉर्म्स ऑफ सॉफ्ट बॉडीड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी आने लगे. और इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? क्या चीज आ गई एटमोसफियर में जिसकी वजह से पैदा हो पा रहे हैं? ऑक्सीजन. चले इंसान भी घूम रहे थे यहां पर, तो इंसान कैसे आए? बोलो, ये तो किसी का बाप नहीं बता सकता सर. तो है ना, हाँ सही बात है, क्योंकि यार सोचने वाली बात है ना कि पहले कोई तो आया होगा. हाँ, मुर्गी वाले आएगी अंडा, सही बात है. ठीक है, ये डेवलप हुआ. उसके बाद अर्लियर फॉर्म्स ऑफ फंगाई फॉर्म अराउंड दिस टाइम. जो सबसे पहले फॉर्म जो फॉर्म्स थे फंगाई के, फंगस के, वो यहाँ पर इस ईयन में, प्रोटीरोजोइक ईयन में आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद अब रियल कहानी हमारी स्टार्ट होती है. इसने अभी तक हमें क्या क्या बोला? ऑक्सीजन यहाँ पर अपीयर होता है, कोरल्स मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पर जो कि थे साइनोबैक्टीरिया कोरल्स. बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा साइनोबैक्टीरिया ने, तो दूसरी लाइफ फॉर्म्स आई लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आए, फंगस आई. ये सारी चीज़ें, ये तो हो गया बर्थ किस किस का हुआ. अब हमारी रियल एनालिसिस डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीरोजोइक ईयन, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. ईजी है लेकिन मैं बस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ. सबसे पहली बात, जो अर्ली और लेट फेजेस थे इस प्रोटीरोजोइक ईयन के, यहां पर अर्थ में एक स्नोबॉल इफेक्ट आया था. ये जो स्नोबॉल इफेक्ट की जो थ्योरी मैं आपको देने जा रहा हूं,
ये याद रखना, ये वेरीफिएबल कम है, इसके ऊपर एविडेंसेस, इसके पीछे सच्चाई, ये कम है। और हाइपोथेसिस ज्यादा है। और आप जानते हो ना, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी थ्योरी को लेकर एक आपका ओपिनियन, जैसा जैसा आप सोच लेते हो, कुछ कुछ जो आपको लगता है, ठीक है। तो अर्ली एंड लेट फेजेस ऑफ दिस इयोन में हैव अंडरगॉन स्नोबॉल अर्थ पीरियड्स, हाइपोथेसिस बेसिकली ये थी। एक क्या था ये स्नोबॉल अर्थ इफेक्ट या फिर स्नोबॉल अर्थ पीरियड, ये यहां पर जो एक टर्म लिखी हुई है ना, पीरियड ना लिखकर लिखा हुआ पीरियड्स, इसका मतलब है, सबसे पहले इसी को लिख लो, सीरीज ऑफ आइस एजेस। एक आइस एज नहीं आई थी, एक चेन चल रही थी। इसमें ना अब पता नहीं साइंटिस्ट ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हुआ वैसे इस थ्योरी के ऊपर। ये कहते हैं कि अर्थ ना एक टाइम के बाद पूरा ठंडा हो गया था, पूरा फ्रोजन, बर्फ ही बर्फ बन गया था, मतलब एक सिंगल पार्ट भी उसके अंदर गर्मी नहीं बची थी। एटमोसफियर ठंडा, बर्फ की चादरों ने घेर लिया था उसकी जमीन को, उसके समुद्रों को, सारी चीजों को। प्लैनेट सफर्ड बिलो जीरो टेम्परेचर्स, एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन, ग्लोबल कूलिंग, एंड एज अ रिजल्ट ड्रॉप इन सी लेवल्स। टेम्परेचर ड्रॉप की बात नहीं हो रही है यहां पर, आपको पता है ना जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो आइलैंड डूबने के खतरे होते हैं। मैं बताता हूं, पानी जब ठंडा होता है ना, बर्फ क्या करती है, अपने आपको सिकोड़ के एक छोटा कंप्रेस करके बना देती है ना फॉर्म अपना, तो सी लेवल के अंदर थोड़ा सा, मतलब एक हाइट जो थी उसकी, वो कम हो गई, वो ड्रॉप हो गई। अभी पढ़ा रहा हूं स्नोबॉल अर्थ के बारे में, लेकिन एक पहले आपको दिखा देता हूं जरा। ये है स्नोबॉल अर्थ की थ्योरी। और सबसे पहले ये देख लो, ये ना कौन गया, ये एक जियो हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस है। कि अर्थ ना ठंडा ग्रह हो गया था प्लूटो की तरह। और ये देख रहे हो उसका लैंड वगैरह पूरा का पूरा चादर बिछी हुई है, मतलब ये भाई क्रिएटेड इमेज है, मतलब एक तरीके से, लेकिन आप समझने की कोशिश करो उसको। पर्सनली अगर ये हाइपोथेसिस है तो मुझे ये ठीक नहीं लगी, ना ना ही मुझे इसके ऊपर यकीन हुआ, ठीक है। तो स्नोबॉल अर्थ का कंसेप्ट क्या है, स्नोबॉल अर्थ हाइपोथेसिस ने ये प्रपोज करा था, और हाइपोथेसिस कभी भी थ्योरी नहीं होती है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात तीसरी बार, ठीक है, कि आप इसको मतलब जस्टिफाई करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको मानो ना मानो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्नोबॉल अर्थ हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट जो अर्थ का सरफेस है, इट बिकेम एंटायरली और नियरली फ्रोजन एटलीस्ट वंस। इस थ्योरी का ये मानना है जब से ये अर्थ गर्म था, ठंडा होना शुरू हुआ था, हेडियन से लेकर आर्कियन से लेकर प्रोटोजोइक तक, प्रोटोजोइक एरा में स्नोबॉल इफेक्ट एक आया था, जहां पर एक जो लावा फेंक रहा था एक टाइम पे, अर्थ वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, फिर कॉन्टिनेंट्स बने, ठंडा हुआ और वो टोटली प्लूटो जैसा फ्रोजन हो गया। चलिए ये कैसे पॉसिबल है बताना जरा, इतना गर्म अर्थ एकदम से ऐसा कैसे ठंडा हो जाएगा, दोबारा फिर वो कैसे स्टेबल हो गया, या तो वो पूरा ही हो जाता, क्योंकि दोबारा उसके ऊपर गर्माहट करने के लिए फिर कुछ बचा ही नहीं ना। वेर मोस्ट ऑफ द अर्थ लैंडमास वॉज नियर द साउथ पोल, आइस एज आ चुकी है, लेकिन आइस एज में श्रेया क्या होता है कि कुछ रीजन्स में बेसिकली ये बर्फ और वो ऐसा होता है, लेकिन स्टिल बड़ी सारी जगह हैबिटेबल होती है। आइस एज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर मूवीज बन रखी हैं, जिसके ठोस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस है, वहां पर अधिक मात्रा के अंदर जीव जंतु की प्रेजेंस थी, अधिक मात्रा के अंदर, जिनके फॉसिल्स वेरीफाई करे जा सकते हैं। ये उस एज में मुझे आइस एज की एक सीरीज बता रहा है, एक आइस एज का पीरियड्स बता रहा है, पूरा का पूरा एक चेन बता रहा है पूरी की पूरी, जब इक्के दुक्के बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और फंगाई हैं
तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब ये इतना ज़्यादा भयंकर लेवल पे इतनी ज़्यादा ग्लेशिएशन और इतना ठंडा वो क्लाइमेट हो गया, तो आगे वाले जीव जंतु क्या गड्ढा बनेंगे इतने बड़े बड़े साइज के? वार्मथ ज़रूरी होती है किसी भी जीव जंतु के उत्पन्न के लिए, ठंडक में ज़्यादा जीव जंतु नहीं सर्वाइव कर सकते, ये रूल है कुदरत का। चींटियां आपको आपके किचन में स्लैब पे मिलेंगी, रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलेंगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक बार बता रहा हूँ, मतलब मैं ठंडक में आपको जैसे ये बहुत जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये ज़्यादा उड़ने वाले जो चीज़ें होती हैं लाइट वाले कीड़े पतंगे मच्छर वगैरह, ये ज़्यादा ठंड में कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? और जैसे ही गर्मी और बारिश के बाहर थोड़ा सा मॉइस्ट वॉर्म हल्का कूल टेम्परेचर जब ये होता है, जब सारे टेम्परेचर मिक्स हो रहे होते हैं, तब देखो इनकी तादाद। एक ओशन में क्रोकोडाइल कभी सुना है कि मतलब एक ठंडे ओशन अटलांटिक ओशन में क्रोकोडाइल्स मिल रहे हो? नहीं। और डायनासोर्स भी तो ऐसे ही लुप्त हुए थे, मीटोराइट इंपैक्ट वगैरह और आइस एज का आना, टेम्परेचर उनके अनुकूल नहीं रहा। तो समटाइम्स अर्लियर देन 650 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब दुनिया में हमें क्या देखने को मिला था फिनोमेना? ग्लोबल कूलिंग का, है ना? राइट, ग्लोबल कूलिंग क्या आज के समय में पॉसिबल है? मतलब ये वाली मैं समझना कि मतलब पूरा आइस एज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ग्लोबल कूलिंग होती है, बताओ। अर्थ ठंडा होता है खुद से? नहीं, मतलब ठंडक होती जब अर्थ के ऊपर गर्मी पड़ती है, अर्थ अपने आप को ठंडा करना जानता है, करता है। और इंसान कुछ कर सकते हैं अर्थ को ठंडा करने के लिए? हाँ, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन नहीं, मतलब कर सकते हैं हाँ कि ना? कुछ हद तक हो सकता है, यानी कि ग्लोबल कूलिंग नेचुरल तरीके से भी पॉसिबल है और एंथ्रोपोजेनिक तरीके से भी पॉसिबल है, राइट? तो अब इसको जानते हैं। नंबर वन, कौन कौन से ऐसे नेचुरल तरीके इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हो सकती है? नंबर वन, लार्ज मीटियोर इंपैक्ट्स या एस्टेरॉइड इंपैक्ट की वजह से, एस्टेरॉइड्स मीटियोराइट्स की वजह से, मीटियोर्स की वजह से ये हो सकता है, या सुपर वोल्केनो की वजह से हो सकता है। सबसे पहले मुझे आपके लिए डिफाइन करने दो सुपर वोल्केनो क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको। सुपर वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो होता है जिसमें इरप्शन इतनी हुई हो कि एक इंडेक्स होता है, मतलब जैसे अंदर से मैग्मा के तौर पर लावा जो बाहर निकला ना, वो लावा कितना ज़्यादा फटा, कितना बाहर निकला, कितनी देर तक बाहर निकला, इसको जानने के एक इंडेक्स होता है। अर्थक्वेक का जैसे क्या इंडेक्स होता है? रिक्टर स्केल, राइट, याद है? अब हमारी किताबों में बचपन से हमें वॉल्केनो का कोई इंडेक्स नहीं बताया जाता, कोई स्केल नहीं बताई जाती, इस स्केल को कहते हैं वॉल्केनिक। एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स ऑफ ये होता है 1 to 8 का, 8 से ज्यादा नहीं होता, 8 से ज्यादा नहीं होता, 8 तक होता है बेसिकली, कि कितने मात्रा के अंदर कितना एक्सप्लोजिव वॉल्केनो फटा उसका इंडेक्स एक रेडी करा जाता है। 8 तक अभी तक मैक्सिमम चलता है, जैसे रिक्टर स्केल का भी एक वो होता है ना कि मैक्सिमम इतना ही आज तक जो अर्थक्वेक आए हैं वो उतना ही आए, तो उतना ही स्केल अभी तक रेडी है। इट इज द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, सुपर वॉल्केनो कहते हैं इसको। तो सुपर वॉल्केनो आप किसी को कहोगे? इरप्शन 8 तक हो, 8 हो, इंडेक्स वही है जैसे रिक्टर स्केल जैसे डेवलप करी जाती है, देखा जाता है
अब यार मुझे ये नहीं पता कि वो लोग मुंह डालकर बनाते हैं उसको कि कोई चीज़ अंदर बेचते हैं। मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में ना मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि देखो एक तो हमारे हिंदुस्तान में बैरन आइलैंड के अलावा कोई वोल्केनो था नहीं। यूपीएससी 2018 में पूछ ही चुका है उस टॉपिक को, अब की फर्क पैंदा है कि कहीं भी वोल्केनो फटता रहे कुछ भी होता रहे। हाँ उधर है, बस वो एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है वैसे एक तरीके से, कभी कभार फटता है एक्सटेंट। हाँ अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बैरन आइलैंड है वो तो चेन है ना आइलैंड्स की, उधर एक नाम है बैरन आइलैंड, वहां पर बोल के आना है। तो 2018 में मतलब बेसिकली 1960s के बाद जाकर 2018 में हल्का सा इरप्ट हुआ था, आस पास के लोगों की तशरीफ फट गई थी, भाग रहे थे लोग कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इससे होता क्या है, ये मीटियोराइट या मीटियोर या एस्टेरॉइड अगर आके गिरा तो क्या हो जाएगा भाई इससे? इससे देखो ये होगा, जैसे ही ये तेजी से आके गिरेगा एक गड्ढा होगा अर्थ के अंदर, गड्ढा होगा। अगर वो गड्ढा एक सही जगह पर जाकर हुआ है तो अंदर से आउट गैसिंग होगी। लोनार लेक में पड़ने वाले गड्ढे को मैं आउट गैसिंग ही नहीं कहूंगा, घंटा कुछ बाहर नहीं निकला था उससे, रशिया के अंदर वो घुसा तो माइन बन गई। लेकिन चलो मीटियोराइड और एस्टेरॉयड तो लक फैक्टर वाली बात है, लेकिन जब नामी मैं बोल रहा हूँ सुपर वोल्केनो, सुपर वोल्केनो इतना ज्यादा लावा इरप्शन कर चुका होगा, उसकी एक्सप्लोसिविटी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि वॉल्केनिक आउटगैसिंग अधिक मात्रा में हो चुकी होगी। जैसे अगर आप एक पंखे के नीचे एक गरम गरम कुकर को रख दो, अगर जिसमें आपकी कोई सब्जी है, कोई चावल है, जो मर्जी है, पॉसिबिलिटीज ये है ना कि बंद कुकर में जितनी जल्दी वो ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो खुले कुकर में पंखे के नीचे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, सारी स्टीम बाहर निकल जाएगी, उसकी भाप बाहर निकल जाएगी, अल्टीमेटली पूरा कुकर भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्टीम आयन के साथ ऐसे ही होता है, नॉर्मल प्रेस के साथ ऐसे ही होता है, जब आप उसको सीधा खड़ा करके रख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो काफी हद तक गर्म रहे, लेकिन अगर उसको आप जमीन की साइड पर अगर आप लिटा कर रख दो तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? बस रिलीज ही तो करनी है हीट, तो यही होता है सुपर वोल्केनो, जो अर्थ के अंदर की हीट जो है वो रिलीज हो रही है, कहाँ जा रही है हीट? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये जो सुपर वोल्केनोज होते हैं और जो एस्टेरॉयड या मीटियोराइड अगर कहीं सही जगह पर आकर गिरे, इससे ना एक चीज इरप्ट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो गर्म गैसेस और भी सारी रिलीज होती हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड का स्पेसिफिकली जिक्र हम लोग क्यों कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपको पता ना, वॉल्केनो की वजह से कभी कभार इतनी जोर की ब्लास्ट होता है ऊपर वाले क्रेटर के अंदर कि उसकी जो कार्बन सूट के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर को चीरते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया था, 6th क्लास से ही बता रहा हूँ ये वाली बात, मैं लगातार आपको याद है, आउटर स्पेस में निकल जाते हैं कभी कभार। कभी कभार कुछ कुछ वॉल्केनो की इरप्शन जो होती है ना, तो ऊपर इनका ढक्कन जो होता है वो बंद होता है, जिसको क्रेटर कहते हैं, ऐसा अंदर से ये लावा फटा, ये धड़ाम करके इतनी जोर की बोलता है श्रेया कि ये जो लावा बॉम्ब्स होते हैं, जो कार्बन सूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाते हैं कभी कभार जाकर। एक रीजन बताऊं, मुझे क्यों बताओ, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है कि मतलब रुक गया है, पता है क्यों हो रहा है? रीजन बताऊं, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा छोटा सा नेबुला था, चकरी थी, ब्लास्ट हुआ ना धड़ाम करके धमाका हुआ बहुत बड़ा सा, वो धमाका धड़ाम करके जो हुआ ना, जैसे ये वोल्केनो फटता है तो कार्बन सूट के पार्टिकल्स आउटर एटमोसफियर में जाते जाते जगह बना लेते हैं, इसलिए वो पूरे का पूरा जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे फैल रहे हैं, वो इसलिए एक्सपेंड कर रहा है, अभी तक वो धमाके का असर है जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड होता चला जा रहा है। हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी एंटायर यूनिवर्स की जितना अभी तक फाउंड करा जा चुका है, एक डॉट है सर, इससे भी कम। मिल्की वे गैलेक्सी को कह रहा हूं मैं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर सोलर सिस्टम आता है, फिर हमारे ग्रह आते हैं, सूरज आता है और अर्थ आता है, तो अपने बारे में घमंड करना कि हम ये हैं वो हैं कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है?
और भी लोग रह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल है यार यूएफओ वगैरह सारे हम रवि भी अग्रहारी में बहुत सारे इसके ट्रेसेस पड़ने वाले हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट सल्फर डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। लेयर कैसी होती है एटमॉस्फेयर की जल्दी बताओ मुझे, ट्रस्ट मी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पानी के साथ ये कंबाइन हो जाता है। वहां पानी कैसे आया, पानी कैसे आया, क्या, वेरी गुड, बादल वगैरह बन रहे तो गया ना यहाँ से इवेपोरेट होकर ऊपर तक पानी, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर की बात नहीं कर रहा पानी की, ये मैं सोचना, वो ही कह रहा है कि ध्यान से समझो इस चीज को, वो कह रहा है कि वॉल्केनिक आउटगैसिंग की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर तक चला जाता है, और कह रहा है कि अपर एटमोसफियर के अंदर, वो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, कह रहा है अपर एटमोसफियर के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है। आप ऐसा मत सुनना कि पानी स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, बादल नीचे ही होते हैं, तभी तो प्लेन बादल से ऊपर उठता है। हाँ वो एक्चुअली आपको एक जर्नल एक वो बोल रहा है कि पानी के साथ ऊपर जाके सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है, मतलब ये वाली बात यहाँ तक खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब जब ये पानी के साथ मिलता है तो ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओ टू, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल्स, जो कि बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं और जिनके अंदर हाई एल्बिडो इफेक्ट होता है। अब दो चीजें तंग कर रही हैं आपको, एक एरोसोल और एक एल्बिडो इफेक्ट, है ना। एल्बिडो के बारे में यूपीएससी मेंस पे क्वेश्चन पूछ चुका है अभी 2-3 साल पहले, और एरोसोल के बारे में 2019 में प्रिंस के अंदर क्वेश्चन था, और ये कोई करंट की बात भी नहीं है, करंट अफेयर भी नहीं है, ये स्टैटिक का ही पार्ट होता है। हमारे ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर पूरे चैप्टर है हमारे ऊपर डेडिकेटेड इसके ऊपर, एल्बिडो इफेक्ट एरोसोल्स हायर स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ना बताता हूं एरोसोल के बारे में, ये टर्म सुनिए कभी आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, क्या, हाँ मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली। नंबर वन इनकी तारीफ, ये एक माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं विच आर सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर। कहां घूम रहे हैं, दो चीजों से जनरली बने होते हैं, कैसे, गैसियस एलिमेंट प्लस वाटर एलिमेंट, बहुत पतले पतले, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर ये आपके मुंह पर आ जाए तो आपको कोई छींटे महसूस होंगे, या ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत हल्का सा मात्रा। जैसे अभी हमारे आसपास आप मानते हो कि हवा में वाटर है, उमस तभी तो आती है ना, ह्यूमिडिटी। तो दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आप जो आपको बताने जा रहा हूं, अनलाइक ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट एटमॉस्फेयर पे शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, लेकिन एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर आर शॉर्ट लिव्ड। इनकी जिंदगी एटमॉस्फेयर में छोटी होती है, उतना ज्यादा नहीं रहते, उतना ज्यादा नहीं टिकते। तीसरी सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर स्टेटमेंट बन सकती है यूपीएससी में, ज्यादातर एरोसोल्स जो है आपको एटमॉस्फेयर के लो लेयर्स में ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर। लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज लेस देन 1.5 किलोमीटर। ऐसा क्यों, इधर आ जाओ एक मिनट के लिए, ये जो वॉल्केनिक आउटगैसिंग हो रही है या अंदर से कोई भी चीज जो बाहर निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है बताओ, जमीन से ही तो निकल रहा है ना ये सब कुछ, बताओ, जमीन से ही निकल रहा है ना, क्योंकि एरोसोल को नेचुरल तरीके से उत्पन्न करने वाले जो सोर्सेज होते हैं, जो पैदा करने वाले जो सोर्सेज होते हैं, इसलिए एरोसोल जो है
वो लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इसलिए मिलता है क्योंकि एरोसॉल को पैदा करने वाले जो सोर्सेज है दे आर लोकेटेड, जो उसके सोर्सेज हैं दे आर लोकेटेड ऑन टेरेस्ट्रियल सरफेस, जमीन पे मिलते हैं वो। और जमीन में अगर जैसे आउटगैसिंग हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा, बताओ। वॉल्केनिक आउटगैसिंग यार जरूरी है क्या हर एक वॉल्केनो के ब्लास्ट होकर के ऊपर की तरफ फटी जाए? वो रिलीज कर रहा है नॉर्मल तरीके से, ऐसा तो बहुत कम होता है ना 1% केसेस के अंदर जो रिलीज कर रहा है, तो वो 1.5 किलोमीटर तक ही तो जा सकता है बस ऊपर तक। लेकिन लेकिन कुछ एरोसॉल्स जो है आर फाउंड इन, अभी आपने कौन सी लेयर देखी एटमॉस्फेयर की? आर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ओके। और स्ट्रेटोस्फीयर में आपको जनरली कौन से वाले एरोसोल्स मिलते हैं ये भी लिख लो, जनरली वॉल्केनिक एरोसोल्स, क्यों? जो कि वॉल्केनिक आउटगैसिंग की वजह से या फिर किसी धमाके की वजह से इतनी ऊपर तक पहुंच गए हैं, राइट? और एरोसोल समझ गए ना, कुछ नहीं अभी भी, अब तो ये तंग नहीं कर रहा, माइनर पार्टिकल है जो कि अंदर से निकले हैं, कुछ भी हो सकता है ये, कुछ भी, पानी के मॉलिक्यूल्स, लावा बॉम्ब्स, कार्बन सूट के पार्टिकल्स और ये सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, कुछ कुछ गैसेस जो हैं, ये सब कुछ एरोसोल ही है नेचुरल। लेकिन अभी हम नेचुरल वाली बात कर रहे हैं, इंसान तो ऑटोमोबाइल और इन सब की वजह से भी रिलीज करता है, कार्बन सूट के पार्टिकल्स के रिलीज नहीं होते कोई, आपने देखी है ये? आप कहीं पर भी जैसे मतलब श्री आप ट्रैफिक में हो, कुछ कुछ वैन होती हैं बड़ी अनोइंग सी, मतलब इतना ज़्यादा धुआं रिलीज कर रही होती हैं वो, जो है ना वाइट कलर का पूरा बीच चले जा रहे, स्कूल वाली वैन होती है जैसे, या ट्रैफिक लाइट में आप कभी खड़े हुए हो, कोई एक वो हीरो पुक है, कोई पर्सन है जो माल की डिलीवरी कर रहा है कि स्कूटर पे बैठ के, धड़ाधड़ उसका वाइट कलर का धुआं पे धुआं धुआं पे धुआं निकले चले जा रहे, लोगों को खांसी हो रही है आसपास, है ना, वो भी एरोसोल रिलीज हो रहे हैं। तो दो सोर्सेज इनके क्या होते हैं, या तो नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जैसे कि एग्जांपल दो वॉल्केनो, एंथ्रोपोजेनिक ऑटोमोबाइल, वेरी गुड, उनसे रिलीज होने वाले मतलब आप समझिए कोई फ्यूम्स पॉल्यूटेंट्स और वो सब, ठीक है। इससे होता क्या है, दे रिड्यूस विजिबिलिटी। सर्दियों में याद करो जब ये फॉग पॉल्यूटेंट के साथ मिक्स हो जाता है तो बचपन से में क्या पढ़ा जाता है, वो क्या बन जाता है, स्मोक, है ना। और पराली वाला धुआं याद है जो दिवाली के बाद आता है फिर सर्दियों में जब से वो मिक्स होता है जब वो घुटन, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी क्यों कम हो जाती है, इसका रीजन क्या है, दे एब्जॉर्ब सनलाइट, और एक प्यारी और चीज अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को अंदाजा होगा भी नहीं, इतना डिटेल में कोई पढ़ेगा भी नहीं, ये लाइन एज इट इज पूरी लिख देता हूं, एरोसोल्स सर्व एज न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स। इन आइसी क्लाउड्स ये न्यूक्लियाई की तरह सर्व करते हैं
फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स इन आईसी क्लाउड्स, या आइस क्लाउड जो मर्जी कह लो। अब इसका ये मतलब आपको समझाता हूँ क्या। देखो एक वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या, एक ऐसा मान लेता हूँ कुछ भी मतलब पॉल्यूटेंट वगैरह गया ऊपर गया एटमोसफियर में, क्या मैं इसको एक डॉट को एक कार्बन सूट का पार्टिकल मान लूँ, एक को बस ये मान लूँ। अब यहां पर क्या है, इवेपोरेशन होते होते नीचे से क्या जाएगा, वाटर वेपर जाएगा अर्थ से, गया ऊपर जाकर कभी कभार बादल बनाने में टाइम लगेगा उनको, जब तक बादल बनेगा नहीं और मतलब कलेक्ट नहीं होगा पानी ऊपर जाकर, तब तक जाकर कंडेंसेशन नहीं हो सकेगा, बारिश नहीं हो सकेगी। ये कभी कभार क्या करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं, हो गई। कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, पानी से भरा हुआ। अब इसके अंदर कभी कभार आप जानते हो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो ये पानी का कंडेंसेशन वगैरह होगा, और आपको तो पता है प्रेसिपिटेशन हमेशा रेनफॉल की फॉर्म में तो होती नहीं है, कुछ कुछ इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स भी बनेंगे, बनेंगे। इसने करा क्या, बारिश को या बर्फबारी को करवाने के लिए इसने अपना बेस दे दिया था सारी की सारी बूंदों को, और बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर फिर जब ये बादल भारी हो जाएगा आईसी क्लाउड वाला या वाटर ड्रॉपलेट वाला, बस फिर जाकर ये प्रेसिपिटेशन गिरा सकता है। अब समझे इस लाइन का मतलब क्या है, दिस अवेस्ट न्यूक्लियर, मतलब एक्चुअली क्या है ये न्यूक्लियर वर्ड, तो देखो किसी चीज़ की जान होती है वैसे तो बायोलॉजी में, है ना, साइंस में। क्लाउड ड्रॉपलेट्स के न्यूक्लियर की तरह बेसिकली कह रहा है कि उनको ना बादल का सहारा नहीं लेना पड़ा, ये बेसिकली ऊपर जाके सहारा दे देते हैं। इसलिए आप आजकल कभी नोटिस करना जो ये हेल्स होते हैं ओले, जब ये कहीं पर भी गिरेंगे ना, आप ओलों में कभी भी नोटिस करने की कोशिश करना, उस गिरती हुई बर्फ में काला काला पंसा भी होगा इधर उधर उस बर्फ में, क्यों, उस प्रिसिपिटेशन में उस कंडेंसेशन के बाद जब ये आइसी मतलब ये आप आइस क्रिस्टल्स कह लो जो कि ओलों की फॉर्म में गिर रहा है, बारिश को तो आप हाथ में देख नहीं पाओगे उसके अंदर काला पाने के नहीं है, यहां पर इसी प्रकार के ये जो एरोसोल्स हैं ये उसमें ऊपर जाकर घूम रहे हैं, वो मिल चुके हैं तो ये काला कर देते हैं इस प्योर पानी को या फिर इन आइस क्रिस्टल्स को इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म या स्लीट स्टॉर्म। आपने देखी ना ऊपर से गिरती हुई बर्फ कभी कभी काली होती है, ओले ओले कभी उठाकर देखे आपको, उनका कभी ग्रुप देखा हो जैसे झुंड देखा हो तो काली काली आपको काले काले स्पॉट देखने को मिलेंगे उसके अंदर, नोटिस करना आपकी बार कभी। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से, एरोसोल देखो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल्स होते हैं इनकी खास बात ये होती है बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं और इनके अंदर हाई एल्बिडो इफेक्ट देखने को मिलता है। एल्बिडो इफेक्ट कुछ नहीं होता, एबिलिटी ऑफ समथिंग टू रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट, इनकमिंग सोलर रेडिएशन सनलाइट,
ये एक प्रकार से क्या बन जाते हैं, एल्बिडो इफेक्ट आप किसे कहोगे, जो एक प्रकार से शीशा बनकर सूरज की किरणों को पलटाते वापस भेज दे, नीचे ना आने दे। जब सूरज की किरणें आ ही नहीं पाएंगी टेरिस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स तक, तो एक बार बताना अर्थ का सरफेस ठंडा नहीं होगा क्या, बताना जरा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ नहीं नहीं, ये एरोसॉल वैसे भी ना एक्चुअली क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब, इनमें से सिर्फ एक चीज़ करती है, सारे एरोसॉल जितने पाए जाते हैं ना उनमें से सिर्फ ये चीज़, एक वर्ड है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट, सूट क्लाउड प्लूम्स कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कार्बन सूट के जो पार्टिकल्स हैं जो कि किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लाइक पॉल्यूटेंट्स ऑटोमोबाइल वगैरह की वजह से गए हैं, या नेचुरल कॉजेज की, या लाइक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से गए हैं, सिर्फ ये एरोसॉल वो होते हैं जो कि हीट को ट्रैप करते हैं, बाकी सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्बन के पास ही तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्ब करने की, है ना, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खतरनाक गैसेस होती हैं, बाकी सारे एरोसॉल के अंदर रिफ्लेक्टिव एनर्जी होती है। अब हाई एल्बिडो जो है, एल्बिडो के बारे में वैसे मैं आपको बहुत बताऊंगा अभी अगले लेक्चर के अंदर, मैं पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक आपको बताऊंगा, लेकिन एल्बिडो की भी ना स्केल होती है, वो स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा एल्बिडो बताओ मुझे पृथ्वी में किस पर होती है, नहीं मिरर नहीं, अरे मिरर कोई नेचुरली थोड़ी ना मिलता, मैं शीशा कहाँ उगता यार देखो जो भी चीज़ें वाइट होती है ना उनमें होती है, एक्चुअली क्या होता है ये वाली बात आप जानते होंगे, साइंस भी ऐसे कहती है, नहीं नहीं कि कलर किसी चीज़ में होता ही नहीं है, पहली बात है पृथ्वी पे, है ना, ये कुछ कलर वलर नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है ये, है ना, वाइट चीज जो होती है ना एक्चुअली वो वाइट नहीं है, कोई भी चीज आप देख लो, आप अभी A4 शीट देख लो अपनी, ये वाइट नहीं है, ये क्या है कि हाँ ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है सारा का सारा चीजें जो भी इसके ऊपर गिर रही हैं। तो बर्फ में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर एल्बिडो इफेक्ट होता है, आइस पे, वेरी गुड ब्रिलियंट, यही टर्म लिख कर बैठा था क्रायोजेनिक शीट्स के ऊपर या कोई भी बर्फीली जो चीज़ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर कह रहा हूँ मैं, अगेन रिपीट करते हुए। और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से, नेचुरल कॉजेज में, इसकी शुरुआत किसने करी है, एल्बिडो को ऊपर फेंकना फिर वो रिफ्लेक्ट कर देंगे गर्मी को नीचे नहीं आने देंगे, ये शुरुआत किसने करी, सोर्स क्या था इसका, वोल्केनो अपने आप में गर्म था लेकिन अर्थ को ठंडा करने के काम आया कि नहीं आया, दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉल्केनिक विंटर्स, विंटर्स और ये कंसेप्ट आ गया सोच रहा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस वॉल्केनिक विंटर, आते लोग तो इन्वेटर का मर्डर कर देंगे, इधर आइयो नहीं नहीं वो कहेंगे इधर आइयो, इतना पढ़ा लिखा तो तू भी है, वॉल्केनो गर्म होता है विंटर सर्दियां होती हैं, है ना, ये क्या है, क्या हुआ, हाँ दो अपोजिट एक साइड होती है ऑक्सीमोरोन, यस, तो वोल्केनिक विंटर कहते हैं इसको, अभी आप ग्रुप में पूछ लो हमारे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वोल्केनिक विंटर, अभी दुखी आत्मा की तरह बैठ जाएंगे चूड़ियां तोड़ तोड़ के तो ये चीज आप समझ गए, द ऐश डस्ट एंड कार्बन सूट पार्टिकल्स या जिसको सूट क्लाउड प्लूम्स भी कहते हैं, दे फर्दर रिड्यूस द सनलाइट रीचिंग द अर्थ एंड इट कॉजेस मोर कूलिंग, क्यों, ये याद है बिगड़ैल बेटे अर्थ के जो ऊपर ही जाकर ट्रैप पहले से करने के लिए बैठे रहते हैं,
और इन सब के अंदर क्या मिलेगा, एश डस्ट और सूट के अंदर सबसे बिगड़ैल बेटे का नाम क्या है, कार्बन। तो वो तो ऊपर ही ट्रैप करा हुआ है, पहली बात तो नीचे तो आने ही नहीं दे रहा है ना। दिक्कत क्या थी जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वो पहले अर्थ पर आता था फिर नीचे की साइड से ट्रैप हो जाता था। सनलाइट जैसे पहले गिर रही है, ये देखो ना गिर रही है, ऊपर जा रही है वापस शाम को आशिमा के अकॉर्डिंग 6 बजे, ठीक है, लेकिन वो यहाँ ट्रैप हो जा रहा है, वापस नहीं जा पा रहा। तो लोग वापस नहीं जा पा रहा तो अंदर ही अंदर घूमता जा रहा है, भाप बढ़ती जा रही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मदद कैसे कर रहे हैं, ये कार्बन सूट पार्टिकल ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुके हैं, ये लेयर बना दे रहे हैं, अब इनकमिंग रेडिएशन जो है उन्हीं को क्रॉस नहीं करने दे रहा है, ये यहीं ट्रैप कर दे रहा है कि हाँ भाई सामान क्या है, लाओ हमें दे दो, हम उनके बेटे हैं, हम उनको दे देंगे। घंटा ही अपने बाप तक सामान नहीं पहुंचा रहे, दरवाजे पे खाप ही डाल रहे हैं। निश्चय करते हो कि ना कोई सामान है, अंकल लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं पापा को दे दूंगी, है ना, तो खुद रख के भाग गए। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवेंट्स की, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। जैसे वोल्केनिक विंटर थी ना, ये होता है नेचुरल कॉज। एक फिनोमेना जानते हैं न्यूक्लियर विंटर का, न्यूक्लियर विंटर की थ्योरी काफी हद तक साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, इसको कोई वेरीफाई तो नहीं कर सकता, साइंटिस्ट कहते हैं जापान में हिरोशिमा नागासाकी में मोटा आदमी और छोटा आदमी गिरने के बाद, बॉम्ब के कोड नेम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन, उनके गिरने के बाद वहां पर ये न्यूक्लियर विंटर का फिनोमेना देखने को मिला था। क्या होता है, देखो एंथ्रोपोजेनिक इवेंट्स जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी रिमार्केबल थिंग। पहले समझते न्यूक्लियर विंटर के बारे में। न्यूक्लियर विंटर एक हद से ज्यादा और लंबे समय तक टिके रहने वाली एक ग्लोबल क्लाइमेटिक कूलिंग इफेक्ट होता है। ये तब होता है जब एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हो। होलोकॉस्ट वर्ड एक छोटा मोटा इवेंट नहीं होता, ये होता है एक मंजर, भयानक मंजर, मास डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी। वो वेव्स बनती रहती है ना, जैसे न्यूक्लियर वेपन गिरा कहीं पर, ये रिपल्स बनते रहते हैं, जैसे हर जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये वो होता है। अगेन ये भी एक हाइपोथेसिस ही है कि जिन जिन जगह पे न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह हुई है, जैसे आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल कहाँ पर करा जाता है, कहाँ भेजा जाता है अर्थ पर, ओशंस में, तो वहाँ पर ऐसा हर बार देखने को नहीं मिला। लेकिन जिन जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा आज तक या टेस्टिंग लैंड वगैरह पे हुई, वहाँ हमें ऐसा देखने को मिलता है। क्या है ये, एक मिनट, इट इज अ हाइपोथेसिस, अगेन मैं बता रहा हूं ओपिनियन ही है ये के अलग अलग साइंटिस्ट का, कि अगर कहीं पर भी कोई एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट या न्यूक्लियर एपोकलिप्स होता है, कोई मतलब मास डिस्ट्रक्शन होती है, इससे इमेजरेबल अमाउंट में आपको पता है क्या क्या रिलीज होगा ऊपर, डस्ट, एश, कार्बन सूट एटमॉस्फेयर में होगा, जिसकी वजह से ऊपर सब कुछ हेजी हेजी हो जाएगा। क्यों, ये जो तीन चीजें रिलीज हुई, क्या मैं इनको एरोसोल्स बोल सकता हूं, वो अलग बात है कि नेचुरल वॉल्केनो की वजह से तीन चीजें रिलीज नहीं हुई, इंसान की वजह से रिलीज हुई है ना, लेकिन एरोसोल बोल सकता हूं मैं इनको, बिल्कुल। तो दे ब्लॉक सनलाइट बिकॉज दे एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस, एंड अगेन इसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग होगी। लेकिन इसकी वजह से अधिक मात्रा में ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर डेटोनेशंस या न्यूक्लियर वेपन्स दे ब्रेक डाउन द एयर अराउंड देम, सिमिलर टू लाइटनिंग। लाइटनिंग अपने आसपास की हवा को, जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, वो तोड़ देते, तभी तो धरती पर आकर गिरती है बिजली, है ना। एंड दे प्रोड्यूस, अगेन मैं वापस बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर डेटोनेशंस की, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। वॉल्केनिक इवेंट से क्या रिलीज हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड।
न्यूक्लियर वेपन से क्या रिलीज होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx. थर्मल कन्वेंशंस एंड मैसिव स्मोक प्लूम्स दे ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स टू द स्ट्रेटोस्फियर. जहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, और ये किसका? ओजोन लेयर का, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन या गुड ओजोन. कुछ ऐसे ही घटनाक्रम इंसानों के अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से, स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैं न्यूक्लियर इवेंट तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक कैटलिस्टिक इवेंट, मतलब कैटलिस्टिक इवेंट बेसिकली होता है जो एक चीज को, किसी भी चीज को डोमिनो इफेक्ट दे. एक अगर प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो चेन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स बनते चलेंगे, वो होती ही चलेगी. तो दे कैटालिटिकली ब्रेक डाउन द ओजोन लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन या गुड ओजोन. और इसकी वजह से क्या डेवलप होता है? फोर्थ क्लास के साइंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग लगातार? ओजोन होल. कहां डेवलप हो गया था अर्थ में? अब भर गया? यस. किसकी वजह से? हम जैसे अच्छे इंसानों की वजह से. ठीक है, बर्बाद किसने करा था? प्रीवियस जनरेशन ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अच्छे से समझ में आया यहां पर ग्लोबल कूलिंग कैसे हो रही है? समझ गए ना? ऊपर चलेगा एरोसोल की फॉर्म में, हीट को ऊपर ही रोक लेंगे, नीचे आने ही नहीं देंगे. और ये एरोसोल्स रिफ्लेक्टिव भी होते हैं शीशे की तरह, वापस भेज देंगे सनलाइट को. और इन एरोसोल्स में क्या होता है? हाई एल्बिडो इफेक्ट, जैसा कि बर्फ में होता है. तो इसलिए ना बर्फ में कई लोग ना चश्मे पहनते हैं, कई लोग नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जब जहां पर ज्यादा बर्फ होती है चश्मे पहनने ही पड़ते हैं. और इसी के लिए मैं आपको बताऊं, दोस्तों जो मूवी है टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर का सेकंड पार्ट, उसके अंदर ये जो गाना आता है शुरू में, दिल दिया गल्ला, यहाँ पर आपको एल्प्स पहाड़ दिखाए जाते हैं यूरोप के, जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये बर्फ है, बर्फ के अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है, क्या होता है? हाई एल्बिडो इफेक्ट. जब ये होता है ना, आपको पता है क्या लगता होगा? अरे यार, अगर हम इस जगह पर खड़े हैं, मेरा पहले माउस देखो, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम इस जगह पर खड़े हैं, क्या दिक्कत है, हम आराम से चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे. आपका, आप अपना रास्ता भूल जाओगे, पता है? सारी जगह आपको आसपास एक जैसी ही दिखेगी नेकेड आई से. वो अलग बात है कि कोई ट्रैक बन रखा हो तो आप वहाँ चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फिर जाना कहाँ है. कोई रोड थोड़ी ना प्रॉपर यहाँ पर, और कहीं एवलेंच वगैरह होकर वो रोड बढ़ गई, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर जनरली एल्बिडो इफेक्ट को टैकल करने के लिए बर्फों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जहाँ बर्फ होती है, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप बात करो रोहतांग की, रोहतांग पास की, सिक्किम की, और अपर हिमालयस की, यहाँ पर चश्मे पहने जाते हैं लोगों के द्वारा, जब वो बर्फों में आइस स्कीइंग करना या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जाते हैं वहाँ पर. जैसे कि आप यहां देखो सलमान खान को और कैटरीना कैफ को देख रहे हो, मोटे मोटे इन्होंने गॉगल्स पहन रखे ताकि इनको ये चलाते हुए देखिए, ऐसा ना हो कि पहाड़ से नीचे कुदा मारें अपनी गाड़ी. और ये जब रियल सीन जब यहां पर ये शूट हुआ था ना, तो ये पूरी की पूरी टीम ने पहन रखे थे. अब ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूवी के लिए पहन लिए हैं या फिर इनको पहना दिया डायरेक्टर ने, ये एल्बिडो इफेक्ट की वजह से पहनाए गए हैं. ये रीजन है इसका. अब जैसे जब वो कलर डाल रहा है तो इसके लिए इसकी फोटो बना रहा है, इसका चेहरा बना रहा है वो बर्फ पे, तो ये नेकेड आइज़ इसको देख रही है, लेकिन जब तक वो बर्फ में वो एंगेज है वो चश्मा पहना हुआ है. और ये उसके पीछे रीजन था कि जब ये लोग ये राइड कर रहे हैं तो दे आर वियरिंग दिस शेड्स, और वो भी काफी हाई क्वालिटी के मोटे वाले, इन ऑर्डर टू टैकल एल्बिडो इफेक्ट. समझ में आया?
तो इस प्रकार से यूटिलाइज करा जाता है मूवीज़ को, सीन्स को, गानों को। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।